अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग होंगे खैरियत से। और आज आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि खुआरी हुई है या तो फिर हमने मैच देख लिया है। ये अब थंबनेल ही बताएगा आपको। तो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। और ये मैंने लाइट पकड़ी हुई क्योंकि रोशनी कम थी। ये मैं पूरे 650 रुपए की लाइट लेके आया था। तो आज काम आ ही गई है। तो अब हम टिकटें बुक कराने चलेंगे। अब पता नहीं कौन सी मिलती हैं क्योंकि लाहौर में आज आखिरी मैच है, लाहौर और मुल्तान का मेरे ख्याल से। तो फटाफट से चलते हैं यार। मैंने कपड़े शपड़े पहन लिए थे पहले ही। मैंने कहा चलो यार आज खुआरी या तो फिर PSL ही सही। अभी एक दोस्त और है मेरा नीचे जो हमारे साथ वीडियो में भी आता है अक्सर, तो उसको भी पकड़ लेते हैं क्योंकि हम अकेले खुआरी तो काट नहीं सकते, उसको भी लेके चलते हैं साथ। तो उसको बताएंगे नहीं कि टिकट वगैरह हमें मिल गई है, तो हमने जाते साथ ही सीटों पर बैठना है, उसको भी खुआरी करवाएंगे थोड़ी सी। अब तो चलते हैं, समीर को पकड़ते हैं और निकलते हैं फिर मैच की तरफ, क्योंकि मैच स्टार्ट होएगा मेरे ख्याल से 7 से 8 बजे तक मैच स्टार्ट होता है, 6-7-8 बजे। तो अभी हमने इसलिए कहा है कि पहले हम जाके देख लें कि टिकटें हैं कि नहीं उनके पास। तो यार मैं पिछली दफा ना ये तोते लेके आया था, तो इसका मैंने व्लॉग करा था लेकिन वो किसी वजह से डिलीट हो गया। तो ये 4 हैं, 2 अंदर चले गए क्योंकि अभी इनकी ना सफाई कर रहे हैं। ये पता नहीं अपने ना अंदर जो से निकाल के ना, ये मेरे ख्याल से तूड़ी है क्या है इनका, ये भी लेके आए थे। लेकिन ये है कि गंद बड़ा करते हैं ये बच्चे ना, सब ये हैं छोटे छोटे लेकिन गंद बड़ा ज़्यादा करते हैं। तो समीर को मैं सफाई के लिए रखा इनकी। तो ये देखो ये दोनों बाहर हैं, बाकी 2 अंदर हैं, नज़र नहीं आ रहे रोशनी में, वो बैठा नज़र नहीं आएगा तुम्हें मुझे लग रहा है। तो बस बाकी ये समीर सफाई करता है, उसके बाद हम निकलते हैं। अच्छा जब ये तोते लाए थे ना, तो ना एक गलती से ना इसका ना ये वाला दरवाज़ा समीर ने ना खोल दिया, तो एक तोता ना घूम फिर के ना वो तार पे वहाँ जाके बैठ गया ना। तो ये है कि इसको पकड़ लिया था वो दूसरा जो दोस्त है उसने पकड़ लिया था। समीर इतना टाइम नहीं है, पता नहीं हमें टिकटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, जल्दी कर लगानी है, बस डर लग रहा है। तो यार ये देखो ये आ चुका है और हम पहली दफ़ा मैच देखने जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं लग रहा टिकट मिलनी कहाँ से है। मैच की वजह से देखो कितना रश है, कम से कम अभी हम ना 4 से 5 किलोमीटर अभी दूर है और यहीं से रश स्टार्ट हुआ है देखो। तो यार हमें 1500 रुपये वाली टिकट 3000 रुपये में मिली है क्योंकि आज लास्ट मैच था लाहौर के अंदर, बाकी कराची या पिंडी जा रहा है। तो अब वो भाई से मैंने कहा है, तो वो भाई हमें करके दे रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो अब टिकट मिल गए तो अंदर जाके सीन पता लगेगा कि क्या सीन है। तो इंशाल्लाह ताला टिकट ले लें से, बाकी जो चूना लगना था वो तो हमें लग ही गया है। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो यार ये हमें 2 टिकटें मिल गई हैं 6000 रुपए में। यार भाई हेलमेट पड़ा हुआ है। तो हेलमेट के मारे जिम्मेदारी नहीं है। हेलमेट हेलमेट तू वहाँ से उठा के समीर, हेलमेट इधर रखवा दे तू। तो यार सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने 6000 रुपये खर्च कर दिए अचानक। अगर मैं पहले बुक करा लेता ना तो मुझे 1500 रुपये की सिर्फ एक टिकट मिलनी थी, लेकिन ये पाकिस्तान है यहाँ पर ये चलता रहता है। तो अब लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं पहले बता रहा हूँ। अब इंट्री देखता है हमें टिकट पर एंट्री मिलती है कि नहीं, तो फिर एंट्री मारते हैं। और कम से कम भी अब 8 बजे मैच स्टार्ट होगा और अभी 6 बजे हैं, 2 घंटे में खुआरी में काटने पड़ेंगे। तो यार हमने एक लाहौर कलंदर का फ्लैग भी ले लिया क्योंकि हम सपोर्ट कर रहे हैं लाहौर को, और बाकी सब टीमें वैसे एक ही हैं लेकिन एक जज्बा होता ना, तो लाहौर के ही हैं और लाहौर को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब जिसको बहाना लगाया ना हम कराची से हैं वो लेकिन मैं उसको मैंने कहा है कि टिकट वाले को मैंने कहा हम कराची से आए हैं तो हमें इतना पता नहीं है, तो हम ऐसे बस लेकिन चूना लगाने लगा रहे हैं, इसमें ऐसी कौन सी बात है, एंट्री मारते हैं। बात तो सही है यार, हार जीत तो नसीबों की बात है, तो अब देखते हैं कि कौन जीतता है। इंटर हम हो चुके हैं यहाँ पर, तो ये स्टेडियम है इसके पीछे हम इंटर हो गए थे। उन्होंने सिर्फ एक ब्लूटूथ की वजह से हमें वापसी बाहर भेज दिया, कह रहे हैं इसको कहीं छुपा के आओ और फिर एंट्री होगी। तो समीर के पास भी थी और मेरे पास भी थी, अब इसको कहीं छुपाते हैं तो देन उसके बाद फिर अंदर चलते हैं। तो गेट नंबर 2 है, तो हमारा गेट नंबर है 13, तो मेरे ख्याल से वो बैक साइड पर आएगा। अभी तो गेट नंबर 2 या 3 चल रहा है, 3 पर चल रहा है, तो 13 पर जाके आपको मिलते हैं। तो यार गेट नंबर 13 आ चुका है, अंधेरा भी आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, अंदर जाके लाइटिंग होगी, कैमरा नहीं ऑन करने देंगे, अंदर इंटर होके मिलते हैं। भाई साहब चेक करो मोल, ये शीट ढूंढ रहे हैं हम भाई साहब, अभी मैच स्टार्ट होने में पूरे 1.5 या 2 घंटे पड़े हुए हैं। जैसे ही मैच शुरू होने जा रहा होगा उससे पहले काउंटडाउन होने जा रहा है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 यार पहले ओवर पे शहीन अफरीदी आए हैं, यार पहले बहुत अच्छा
जा रही है। क्या है तो गाइस, आधे घंटे में पूरा स्टेडियम भर चुका है। पचास दफा बोल दिया बैठ के यार। तो चार स्कोर हो गए, बल्ले को एज ओके कीपर के पीछे से निकल गई, तो तीन बोले चार रन हो गए। तो गेम बचाना पड़ेगा। शाहिद 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 गाइस 10 आवर और 96 स्कोर हो चुका है और दो आउट। तीसरा आउट भी हो गया। मेरे साथ मिलकर करेंगे सबके अपना टिकटॉक बना रहे हैं यहाँ पर। 215 का टारगेट दिया है। अच्छा चला अपना होल टाइगर मार गया, पता नहीं मेरी आवाज आ रही होगी कि नहीं। तो यार फील्डिंग पे मुल्तान सुल्तान आ गई है और बैटिंग पे लाहौर कलंदर भी आ चुकी है। यार ये लड़का ना मुल्तान सुल्तान की तरह है ये वाला।
ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। टाइम इस वक्त हो गया 9:24। दस ओवरों में 91 स्कोर हुआ है, 91 स्कोर हो गया। हैट्रिक करेगा कि नहीं? हैट्रिक शॉट, हैट्रिक शॉट। लॉरी जीतेंगे। ओ यार, चौथा भी आउट हो चुका है। ओ शहीद है, ओ शहीद है। शहीद अफरीदी आ गया। भाई साहब आज साहब हम बाहर जा रही है, 8 आउट हो गए हैं। तो यार बाहर जा रहे हैं, अब कुछ नहीं बचा, 8 आउट हो गए और 142 स्कोर पे हमें मार जाना ही पड़ेगा। अब सारी आवाम बाहर आ गई है। तो यार मैंने कहा था अगर मुल्तान सुल्तान जीतेगी तो समीर मुझे कुछ खिलाएगा। समीर साहब अब समीर से कुछ खाते पीते हैं, तो अब खाना खाते हैं, देन उसके बाद मिलता हूँ आपको। तो ये खाना भी समीर की तरफ से है क्योंकि समीर मैच आ चुका है, मुल्तान सुल्तान जीत गई है। तो वैसे हमने बैट लगाई थी अपनी, तो ये खाना समीर की तरफ से है। थैंक यू, वेलकम। खाना आ गया हमारा, तो फटाफट से खाते हैं खाना। मैदान यार खाना वगैरह खा लिया, अब हम घर पहुंच के ब्लॉग एंड करते हैं। पहुंच चुका हूं मैं और यहां पर करता हूं मैं व्लॉग को एंड। बहुत बुरा हाल हो गया था। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।